करते हैं सभी लोगों को कि आज मुहूर्त के दिन आए, धन्यवाद आप लोग को। हमारा नाम सर्वेश सैनी है, हमारे बैनर का नाम हीरा फिल्म इंटरटेनमेंट, हम ये फिल्म का नाम है भगवा कैदी 786, हिंदी मूवी है। सर्वेश जी, क्या कहानी क्या है दुल्हन के पोस्टर, कहीं गाय दिख रही है, कहीं त्रिशूल दिख रहा है, कहीं हिंदू मुस्लिम कैदी जी। आज ये कहानी, आज जो घटित हो रहे हैं, आज भगवा को आतंकवाद का नाम दिया जा रहा है, आज भगवा को जो बदनाम किया जा रहा है, चंद मुट्ठी भर 786 यानी कट्टर मुसलमान टारगेट बनाए हैं कि भगवा को बदनाम किया जाए। सारे मुसलमान नहीं, कि हमें भगवा देश में भगवा को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। कोई कहता हमें 24 घंटे में फौज हटा दो तो देश से हिंदू को हटा देंगे। यानी आज कुछ मीडिया भी उनके साथ जुड़ी, ऐसे लोगों के साथ कि टीआरपी देती है, कि उनकी स्पीच को बढ़ावा देता है, तो हर जैसे भगवा को कैद किया जा रहा है। कभी गौ कसी के नाम पे, किसी कुरान में नहीं लिखा है कि गाय काटी जाए, तो फिर जानबूझकर हम गाय काटते हैं कि हम आहत हों। आज मेरे ही देश में रह करके आप खाते यहाँ हो, नहाते यहाँ हो, रहते यहाँ हो, कहते हो पाकिस्तान जिंदाबाद, मुझे अलग देश चाहिए। अब कितने बार भारत के टुकड़े करोगे भाई, एक बार तो हो चुका। मैं कहता हूँ, हमारी फिल्म का मैसेज है ये कि वीर अब्दुल हमीद बनो, शिबली नुमानी साहब बनो, फिल्म लाइन में हो सलमान बनो, आमिर खान बनो, कैफी आजमी बनो, सबाना आजमी बनो, एपीजे अब्दुल कलाम बनो, लेकिन इनका टारगेट ये बनना नहीं है। कुछ लोगों का हाफिज सईद बनना, ओसामा बिन लादेन बनना इनका टारगेट है। ये 100 करोड़ हिंदुओं पे राज करना चाह रहे हैं, चंद मुट्ठी भर मुसलमान। ये आपने जितनी बात कही है वो सब फिल्म में लिखा जाएगी जी जी जी, जितना हम बता रहे हैं प्रैक्टिकल यही हो रहा है, ये शूट भी हो रहा है आज, सेम यही हम कह रहे हैं कि हम इफ्तार पार्टी आपकी करते हैं। आप कभी नवरात की पार्टी किए हो है? हमें फिल्म में दिखा रहे हैं, हम आपके मस्जिद से गुजरते हैं मत्था टेक देते हैं, आपके मजार से गुजरते हैं मत्था टेक देते हैं, आप कभी मंदिर से गुजरते मत्था टेकते हो? क्यों ये कट्टरपंथ? क्यों आप कहते हो कि मेरा देश है? वंदे मातरम आप नहीं बोलोगे, कहोगे मेरा देश है? तो वैसे नहीं गा रहा है, वैसे नहीं तो वैसी कौन है ये कट्टर 786 को मानने वाला? ऐसा नहीं करे सारे मुसलमान गलत हैं। हम इसीलिए रखा कि भगवा कैदी 786, यानी कट्टर जो 786 को मानने वाले हैं वो भगवा को कैद करना चाह रहे हैं, भगवा को बदनाम करना चाह रहे हैं। आपको नहीं लगता ये फिल्म सिनेमा घरों तक रिलीज हो पाएगी? काफी कंट्रोवर्सी सब्जेक्ट, और आप डायरेक्टली खुलेआम देखिए, हम खुलेआम इसलिए कह रहे हैं इसको कि सत्य है, असत्य को हम कभी भी कहीं भी बोलेंगे। हम कल्पना की बात नहीं कर रहे हैं, हम सत्यता की बात कर रहे हैं। अब मेरी फिल्म में भी वही आएगा। किस बारे में, किस विषय में, मतलब आपने कोई ऐसी घटना उठाई है जिस तरह से, क्योंकि आजकल गाय को लेके काफ़ी विवाद हो रहा है, मॉब लिंचिंग लगातार बढ़ते जा रहे हैं? देखिए आज बता दें, हम देश में, और आप कह रहे हैं हमसे पहले आप लोगों को पता चल रहा है मीडिया वालों को कि आज जिस लव जिहाद की बात चल रही है, हमारी बहन बेटियों के साथ जब ये रिलेशनशिप में आते हैं, दोस्ती करते हैं, तो राजू बताते हैं, रमेश बताते हैं, गुड्डू बताते हैं, राजा बताते हैं, प्रदीप बताते हैं। जब रिलेशनशिप को बढ़ा लेते, रिलेशनशिप को बढ़ाने के बाद जब शादी करीब आती तो बोलते मैं सुलेमान हूँ, रहमान हूँ, कुर्बान हूँ, इस्लाम हूँ। क्यों? ये भगवा को कैद करने का है, इनके मकसद गलत हैं, इनके इरादे गलत हैं। हम कह रहे हैं कहाँ कुरान में लिखा है गाय काटो, ले आप क्यों गाय काटते हो? जब गाय हमारी पूजनी माता है, क्यों काटते हो? हम तो नहीं सुअर काटते आपके किसी दिन नवरात्र में, नवरात्र में बलि दी जाती है ना, हम बकरे के बलि देते हैं, हम सुअर की बलि नहीं देते। सुअर आपकी पूजनी है मुसलमानों की? सुअर मुसलमान मानते हैं, सुअर से घृणा करते हैं, हाँ सुअर काटते हैं तो चिढ़ते हैं,
हम गाय को पूछते हैं फिर क्यों काटते हैं? कहाँ लिखा है कि गाय की बलि दो? तो आप तो वो तो ऑलरेडी बैन है गाय को काटना, तो बैन है फिर क्यों काटते हैं? आज हर दिन अखबार टीवी में आपके माध्यम से मिल रहा है कि यहाँ गाय पकड़ी गई, यहाँ गाय पकड़ी गई। एक दो घटनाएं घटती तो आप उसको दूसरा नाम दे देते हो, रंग दे देते हो कि हमें हमारा शोषण हो रहा है। आज हमारे उत्तर प्रदेश चाहे समथिंग 17-18 प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, 19 प्रदेश में शायद बीजेपी की सरकार। हाँ, आप हर जगह एक शब्द बोलते हो कि हमें ऐसा हो रहा है, हमें वैसा हो रहा है। जब से बीजेपी की सरकार है, बता दे कोई आतंकवाद का नाम। लेकिन मॉब लिंचिंग तो बढ़ा है, कहीं नहीं बढ़ा, ये हुआ ही नहीं है। गलत प्रेजेंट सर, इसको गलत प्रेजेंट किया जा रहा है। आज बताइए प्रेजेंट हम हो रहे कुछ, हम अपने मीडिया भाइयों से निवेदन करेंगे कि इसको गलत प्रेजेंट मत करिए, गलत तरीके से प्रेजेंट ना हो। फिल्म पे फिल्म आर्टिस्ट कौन, किसने मतलब स्टार कास्ट? जी स्टार कास्ट इसमें थिएटर के हैं। कौन कौन थिएटर में? मीर साहब को देख रहा हूँ, नीचे शूटिंग चल रही है, मीर साहब हैं और फरीदा जी हैं। हाँ, न्यू कमर दो बच्चे हैं लड़कियाँ। जितनी आप बातें करें लगता है कि काफ़ी कंट्रोवर्सी होगी शायद। मेरे ख्याल से फिल्म जो है बनते बनते कई बार आपको धमकी भी आ जाएगी। देखिए आप तैयार हैं? हम देखिए हम पूरा प्रिपेयर हैं धमकी के लिए। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हिंदुत्व के कार्यकर्ता हैं, भारतवासी हैं। हम ऐसे धमकियों से डरने वाले नहीं, ऐसी धमकी रोज हम झेलते हैं। मोदी जी का कैमियो रोल हुआ क्या, मतलब मोदी जी नहीं गया? नहीं नहीं, यहाँ मोदी जी का कोई रोल नहीं है, यहाँ हिंदुत्व का रोल है। योगी है? योगी जी भी नहीं है यहाँ, हर व्यक्ति मोदी है, योगी है हिंदू। जो देश को मानता है वो मोदी है, योगी है इसमें। तो ये इलेक्शन से पहले रिलीज हो जाएगी, 2019 के इलेक्शन के पहले? जी ये अप्रैल के प्रथम वीक में रिलीज हो रही है। तो आपको नहीं लगता इलेक्शन कमीशन इस पर ऑब्जेक्शन उठा किस चीज़ का, क्या है इसमें? फिल्म में अगर नहीं, ये किसी पार्टी का नहीं है, ये किसी पार्टी का नहीं है कि इलेक्शन कमीशन से नहीं, सेंसर हमें पास करेगा। इलेक्शन कमीशन को मैं नहीं जानता, सेंसर नहीं। अपोजिशन पार्टी पर देखिए उनका काम है दंगा भड़काना, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष के पास कुछ काम नहीं बचा है। नहीं सर, जैसे कि आपने बोला कि दंगा भड़काना उनका काम है, अरे हमारा सब्जेक्ट जो ऐसे जी, हमारा सब्जेक्ट नहीं, हमारा सब्जेक्ट सीधा सुनिए कि हमें आतंकवाद मत घोषित करो, मैं तुम्हारा सम्मान कर रहा हूँ, तुम मेरा सम्मान करो। भगवा, हमने लिखा टाइटल हमारा है कि भगवा कैदी 786, कि भगवा को कैद मत करो। चंद 786 को कट्टर मानने वाले जो लोगों दिखा के मानते हैं कि हम अल्लाह के हैं, अल्लाह का एक लोगों उनका 786 हम सम्मान करते हैं, उसका गलत मैसेज मत दो। हम ये फिल्म से बताना चाह रहे हैं, हिंदू ही है पूरे विश्व में जो हृदय दिल रहम दिल का है, राह चलते आपका सम्मान करता, वो नाम हिंदू है, वो नाम भगवा है। तो अभी कहाँ कहाँ से जी जुड़े होते हैं आप? नहीं, आरएसएस से नहीं जुड़ा हूँ। ये बताइए आप में से हिंदू होंगे, एक दो तीन चार पांच होंगे, बताइए। सारे सारे हिंदू हैं, खाली एक दो नहीं, नहीं एक दो नहीं, हिंदू ही रहम करता है। गर्दन सुन लिए, 5 मिनट नहीं लगता मुसलमान भाइयों को गर्दन उड़ाने में। आज बताइए मुंबई में बिना हेलमेट का कौन चलता, जान जाए मुस्लिम चल रहा है। रात को रेस में कौन चलता बाइक का, जान जाए मुसलमान चल रहा है। 3 आदमी चढ़ा कौन चल रहा है बाइक, जान जाए मुसलमान परिवार जा रहा है। उनको डर नहीं है, हमें हेलमेट है, उनके लिए हेलमेट नहीं है। तो कानून का काम होगा नहीं, ये फिल्म से हम बता रहे हैं कि सीखो जानो, ये देश तुम्हारा है, ये देश हमारा है। मुसलमान सिखाना पड़ेगा, आप गलत भटको सिखाना पड़ेगा, मैं बड़ा भाई हूँ उनका, आप गलत जाओगे सिखाऊंगा मैं आपको। कहाँ पे शूटिंग करने वाले हैं? मैं उनका बड़ा भाई हूँ, 100 करोड़ की आबादी वाला हूँ, 20 करोड़ आपको मैं सिखाऊंगा आपको गलत जाओगे। मैं बातों से सिखाऊंगा, प्रेम से सिखाऊंगा, शालीनता से सिखाऊंगा, नहीं मानोगे तो कानून से सिखाऊंगा, लिख सिखाऊंगा। भारत को बदनाम करने नहीं दूंगा। सर ये कौन से राज्य के ऊपर बन रही है? ये किसी राज्य में, भारत देश पे बन रही है। भगवा पूरे हिंदुस्तान का है, हिंदुत्व पे है भगवा, कि हिंदुत्व को बदनाम मत करो। आपको कोई लाइसेंस नहीं दिया है कि भगवा को बेचो आप। कांग्रेस को भी कोई पार्टी दिखाई हमें कोई पार्टी से लेना नहीं देना, हमारा मकसद सिर्फ
हिंदुत्व है कि हिंदुत्व को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, गौ माता को जिस तरह से टारगेट बनाया जा रहा है, ये हमारा है। इस्लामिक स्टेट में शूट करने का? हाँ, हर जगह करूँ, ये पूरा देश हमारा है, हर जगह शूट करूँगा, हर जगह बाबू शूट करूँगा, पूरा देश मेरा है। इस्लामिक स्टेट में आप जाके शूट करेंगे? इस्लामिक, हमको इस्लाम की जरूरत है नहीं कि इस्लामिक देश के आ जाएं, हमें अपने देश में सब कुछ, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इस्लाम को हम नमस्कार करते हैं, ऐसे इस्लाम को जो आतंकवाद की तरफ जाए। थैंक यू सो मच। चलिए, अच्छी कहानी अच्छी।